नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप सभी साथियों के लिए एक बहुत ही अच्छा इशू लेकर के आया हूं। जैसा मैंने आपसे प्रॉमिस किया था अपनी वाईफाई स्टडी 2.0 की मॉर्निंग वाली क्लास में कि मैं आपके लिए सैरोगेसी पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा और उसके माध्यम से आपको बताऊंगा कि रिसेंटली सैरोगेसी पर आया हुआ ये बिल क्या पॉइंट्स लेके आया है, जिस बिल के बारे में चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा जोरों पर हैं। सैरोगेसी क्या होती है, सरल शब्दों में मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को तो मैं इस वीडियो के नीचे पिन कर रहा हूं, आप वहां से देख लीजिएगा कि सैरोगेसी क्या होती है। और इसके अतिरिक्त मैं आपको ये समझाने वाला हूं कि इस बिल में क्या नया है। तो UPSC वाले चैनल पर मैंने सैरोगेसी के नाम सर एक वो डाला हुआ है, वीडियो डाला हुआ है वाईफाई UPSC के अंदर सैरोगेसी पर किराए की कोख के नाम से डाला हुआ है, तो वो वीडियो आप लोगों को दिख जाएगा, टेक्निकल टीम उसको ऐड कर देगी। ठीक है साथियों, तो अभी मैं आपको बताता हूं कि क्या है ये पूरी चीज। पहले समझते हैं कि सैरोगेसी क्या होती है। साथियों, जैसे शब्द से स्पष्ट है, सैरोगेसी असल में होता है किराए की कोख। अभी किराए की कोख का मतलब क्या है साथियों, बेसिकली कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ पेरेंट्स यानी कि हस्बैंड वाइफ जो हैं, कि यानी युगल कहें हम तो ज़्यादा अच्छा होगा, दंपत्ति कपल कहें, तो वो पेरेंट्स नहीं बन पाते किसी भी कारण से। संभव है कि पेरेंट्स बनने के लिए जो माता हैं यानी कि जो वाइफ हैं उनकी, उनके पास मतलब बच्चे को कैरी करने की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो नहीं हो, यानी उनके पास पर्टिकुलर वोम डेवलप ना होता हो। ऐसी स्थिति में यानी कि उनका जो गर्भाशय है उसके अंदर जो एम्ब्रियो बनता है उसको होल्ड करने की कैपेसिटी ना हो, तो एम्ब्रियो को होल्ड करने की कैपेसिटी अगर ना हो तो ऐसी स्थिति में बने हुए एम्ब्रियो को, तो एम्ब्रियो बनेगा कैसे? देखिए टेक्निकली अगर आपको समझ में आती है एक बात, तो आपको ये पता होना चाहिए कि दो चीजों से मिलकर के एम्ब्रियो बनता है, एक होता है स्पर्म और एक होता है एग। इन दोनों के मिलने से अल्टीमेटली जाइगोट बनता है और वो जाइगोट डेवलप होकर के क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, तो हम आपसे क्या बात कर रहे हैं कि जो एम्ब्रियो बनता है अल्टीमेटली उसको कहां जाना होता है, ओवरी के अंदर जाकर के, गर्भाशय के अंदर जाकर के सेव होना होता है। ठीक है, तो अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि गर्भाशय के अंदर जाकर के जब ये चीज सेव होनी होती है, इन जिसको कोख कहते हैं, जहां जाकर के इस एम्ब्रियो को लगना होता है प्लेसेंटा के माध्यम से, यदि किसी महिला के अंदर जो माता बनना चाहती तो हैं, जिनके पास एग तो बन रहे हैं लेकिन उनकी ओवरी में वो एम्ब्रियो होल्ड नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में किसी अन्य महिला से, अन्य महिला कौन होगी इसका प्रोविजन इस बिल में किया गया है, तो वो उस अन्य महिला के गर्भ में यानी कि ये जो गर्भाशय है इसके अंदर, मेरे प्यारे साथियों, इस जगह यानी गर्भाशय के अंदर उस एम्ब्रियो को प्लेस कर दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस सैरोगेसी कहलाता है, यानी एग तो किसी अन्य महिला का है, स्पर्म जो महिला पुरुष जो कपल है यानी कि जो युगल बना हुआ है, जिनकी जो बच्चा चाहते हैं करना, तो स्पर्म और एग तो इनका है और इनसे बनने वाले एम्ब्रियो को किसी अन्य महिला के, अन्य महिला कौन है, तो यानी कोई दूसरी महिला, ये तो फर्स्ट महिला है यानी फर्स्ट लेडी, और ये जो ओवेरी है ये वर्तमान में किसकी यूज की जा रही है, सेकंड लेडी की, क्योंकि टेक्निकलिटी ये है कि ये वाली महिला अपना एम्ब्रियो यूज नहीं कर सकती, अपना गर्भाशय यूज ओवरी यूज नहीं कर सकती। डन। चलिए, तो अब आपको यहां से एक बात और निकल के आती है समझने के लिए कि सर इस प्रोविजन में जेनेटिकली ये जो बच्चा होगा ये किसका होगा, तो साथियों चूंकि स्पर्म फादर के जीन्स लेकर के आता है और एग जो है वो मदर के जीन्स लेके आती हैं, तो इस वजह से इन दोनों का XX जो लेवल है वो 2X बन करके इस एम्ब्रियो के अंदर गया हुआ है, यानी होने वाला जो चाइल्ड है वो जेनेटिकली इन्हीं का है। तो आपको ये वाली बात भी अब अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। तो अब इस पूरी चीज को लेकर के, क्योंकि बहुत सारे सवाल ये बनने लग गए थे कि किस महिला का ये गर्भ यूज करेंगे, इसके लिए प्रोविजंस क्या हैं, तो साथियों सैरोगेसी के केस में ऐसा होने लगा था कि आप लोगों ने फिल्म स्टार्स को देखा होगा, जैसे शाहरुख खान की जो तीसरी संतान है बेसिकली, वो उसकी पहली जो दो संतानें हैं वो गौरी खान से हैं, लेकिन तीसरी संतान उन्होंने सैरोगेसी से की है। मतलब क्या हुआ कि लोगों ने कमर्शियली बच्चे को पैदा किया किसी ऐसी महिला का गर्भ यूज करके जिस से कि गौरी खान का गर्भ यानी कि शरीर खराब ना हो, और यहां से जेनेटिकली वो बच्चा किसी दूसरी महिला के गर्भ में डाला गया और वहां से वो बच्चा लेकर के उन्होंने पालना शुरू कर दिया, तो शाहरुख खान का तीसरा बच्चा जो है वो अल्टीमेटली इस तरह से होके आया। तो हम इस बात को कैसे समझे कि गर्भ को बचाने के लिए, यानी कि माता परेशान ही नहीं होना चाहती, यानी कि ये एक लेजर टाइप की फीलिंग हो गई कि भाई हम खुद जिंदगी जो है वो पैसे से कमाना चाहते हैं, पैसे से जीना चाहते हैं, तो आपने किसी को किराए पर ले लिया, तो ये कैसी सैरोगेसी हुई, व्यावसायिक सैरोगेसी हुई यानी कमर्शियल सैरोगेसी हुई।
हुई। एक तरफ तो वो पेरेंट्स हैं जिनके पास मजबूरी है, क्योंकि जहां पर एक माँ ऐसी है जिसके गर्भ के अंदर एम्ब्रियो कोट नहीं हो सकता, तो एक तरफ तो केस ये बनता है कि वो वाला एम्ब्रियो जिसके कोट नहीं हो सकता, चिपक नहीं सकता, उनकी तो मजबूरी है कि उनको बच्चा करना है, किसी और से ही होगा। लेकिन इसका क्या करें जो कि आपके यहाँ पर कमर्शियल तरीके से किया गया है, जैसे शाहरुख खान दंपत्ति ने किया है। तो ये जो बिल है जिसके ऊपर हाल ही के अंदर मैंने करंट में आपको पढ़ाया है कि कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, तो साथियों इसके बारे में आपको मैं बता दूं कि इस बिल में कमर्शियल सैरोगेसी को बैन कर दिया गया है। तो इन सब मुद्दों के बारे में मैं आपके सामने सवाल एक एक करके लेके आया हूं, आप समझते जाइएगा। दूसरी बात, अब एक क्वेश्चन और बना, सर करण जौहर ने भी बच्चे लिए हैं अभी, इसी प्रकार से आप लोगों ने सुना कि सर तुषार कपूर के भी बच्चे हुए हैं, ये क्या सीन है, इनकी तो शादी हुई नहीं, तो साथियों इनके पास बच्चे कैसे हुए? तो होता क्या है साथियों, ये लोग किराए पे अंडे ले लेते हैं, यानी कि स्पर्म खुद का, एग किसी और का और गर्भ किसी और का, यानी कि ये सिंगल पेरेंट बन गए, तुषार कपूर सिंगल पेरेंट बन गया। ऐसे ही अगर सोच के देखिए, महिला है कोई लेडीज है जो कि अपने साथ, कोई सिंगल महिला है, वो ये चाहती है कि वो भी अपने पास बच्चा चाहती है, तो उसके पास तो एग है, सैरोगेसी के थ्रू वो एम्ब्रियो मतलब गर्भाशय किसी और का यूज करने वाली है, वोम किसी और का यूज करने वाली है। लेकिन यहां क्या हो रहा है कि यहां पर मेरे प्यारे साथियों जो स्पर्म है वो भी उसके पास नहीं है, गर्भाशय भी खुद का नहीं है, और फिर भी वो माता बनना चाहती है, तो ऐसी स्थिति को भी हम सैरोगेसी के अंदर पढ़ते हैं। इन दोनों ही केसों के बारे में सारी तरह से चर्चाएं हमने यहां पर की हैं, तो सवाल के हिसाब से हम समझते चलते हैं कि किस प्रकार से यह पूरा मसला सामने निकल के आया। आप लोगों के सामने मैं डिटेल से यह चीज लेके चल रहा हूं, आइए देखते हैं सबसे पहली चीज। हां भाई, एक चीज और मैं बता दूं, एसएससी जेई एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए करंट का बैच मेरा 6 तारीख से आ रहा है, 6 मार्च से आपका बैच लॉन्च हो रहा है करंट अफेयर का। एसएससी जेई वाले अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी पर मेरा सब्सक्रिप्शन आईडी है Ankit10, इससे मेरा कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं। करंट अफेयर का बैच आ रहा है जिसमें मैं स्टैटिक जीके भी आप लोगों को लेकर के आ रहा हूं, स्टैटिक जीके के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा, और इसके अतिरिक्त आपको करंट अफेयर पूरा 6 महीने का प्रॉपर तरीके से करवाया जाएगा। चलिए साथियों आपके सामने, हाँ, इसी प्रकार से रेलवे आरपीएससी सब में मेरे कोर्स चल रहे हैं, और आप सभी को यह चीज याद रखनी है। और एक चीज याद रख लीजिएगा, अगर आप में से कोई भी विद्यार्थी नेट जेआरएफ की तैयारी करता है तो हमारे अनअकैडमी पर अनअकैडमी का नेट जेआरएफ का एक अनअकैडमी चैनल है, यूट्यूब चैनल है, जिस पर जाकर के आप अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। चलिए देखते हैं साथियों, पहला सवाल बना है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने सैरोगेसी बिल को मंजूरी दे दी, इसका अगला चरण क्या होगा? तो साथियों अब क्या होगा कि कोई भी चीज याद रख लीजिएगा, अगर बिल को मंजूरी दी है तो अब यह कानूनी नहीं बनेगा, अभी इसको क्या करना जरूरी है, तो अब यह संसद के पास वापस जाएगा। संसद के अंदर दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, यानी कि क्या बोलते हैं, लोअर हाउस और अपर हाउस होते हैं, वहां ये जाएगा, वहां से जब ये पास हो जाएगा तब अल्टीमेटली ये राष्ट्रपति के पास जाएगा। अभी जिस चीज को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, पहले चीज तो ये समझ लीजिएगा कि 2019 में बिल आया था, अभी पता चल जाएगा आपको। तो यहां पर सबसे पहला सवाल ये बना है कि जिस चीज को मंजूरी दी है वो अभी एक्ट में नहीं आ जाएगा, इनएक्टमेंट में नहीं आएगा, अभी वो वापस संसद जाएगा, संसद में उसको पास होना है, बजट के सेकंड सेशन में वो आएगा, नंबर एक। दूसरा सवाल बनता है, सैरोगेसी में नए बिल के अनुसार कौन सैरोगेट मां बाप नहीं बन सकते, यानी कि अकॉर्डिंग टू द न्यू सैरोगेसी बिल हु कैन नॉट बिकम ए पेरेंट्स विद सैरोगेसी, कौन पेरेंट्स नहीं बन सकते। बनने के लिए तो ध्यान से सुनिएगा, ऐसे लोग जिनके पास बच्चे नहीं है, चाइल्डलेस कपल बन सकते हैं क्या? बिल्कुल बन जाएंगे। विडो महिलाएं बन सकती हैं क्या? बिल्कुल विडो महिलाएं भी पेरेंट्स बन सकती हैं। अब यहां पर परित्यक्ता महिलाएं जिनके मतलब डिवोर्सी जो हैं वो भी यहां पर मां बन सकती हैं, लेकिन फॉरेनर कपल यहां पर नहीं बन सकते हैं। इस लॉ में प्रोविजन किया गया है कि फॉरेनर्स यहां से इंडिया में सैरोगेसी का लाभ नहीं ले पाएंगे। अब तक ऐसा हुआ करता था कि गुजरात जो था वो सैरोगेसी हब बन गया था, विदेश से लोग आते थे, यहां पर किराए की कोख लेते थे और अपना बच्चा प्लांट करके चले जाते थे, अब ऐसा नहीं होगा। इंपॉर्टेंट है ये याद रख लेना, सिंगल महिलाएं और अबंडन महिलाएं जो हैं वो इस बिल के तहत क्या कर सकती हैं? बच्चा पैदा कर सकती हैं, इनको अलाउ कर दिया गया है, इससे पहले अलाउ नहीं था। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ सैरोगेसी बैंड इन दिस बिल, अब कौन सी सैरोगेसी है जिसको बैन कर दिया गया है? तो साथियों यहां पर सैरोगेसी के ऊपर जो कमर्शियलाइजेशन होता है सैरोगेसी का, यानी कमर्शियल सैरोगेसी को बैन कर दिया गया है। आप अल्ट्रिस्टिक सैरोगेसी कर सकते हैं, यानी कि ऐसी सैरोगेसी कर सकते हैं जो कि किसी के हित में की जाए, यानी परोपकार के लिए की जाए, तो वो सैरोगेसी आप कर सकते हैं। किसी के दूसरे के हित के लिए अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बिजनेस नहीं कर सकते।
सकते, आप किराए पर पैसे देकर के नहीं ला सकते, आप किसी विलिंग व्यक्ति के साथ सैरोगेसी करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्या सवाल है, हाउ मच हैज द इंश्योरेंस कवर ऑफ सैरोगेसी इन द इंक्रीज्ड बिल। साथियों ये जो फॉन्ट है ये पीपीटी में जाते ही थोड़ा बदल गया, तो हिंदी के शब्द दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं इंग्लिश वाली लाइनें बोल रहा हूं, हिंदी वाला फॉन्ट सपोर्ट नहीं कर रहा है इसको। हाउ मच हैज द इंश्योरेंस कवर, तो साथियों अब इसके अंदर 36 महीने का इंश्योरेंस कवर दिया गया है। 36 महीने का मतलब क्या है, जो सैरोगेट मां बनेगी अगर उसके शरीर पर कोई भी गलत प्रभाव पड़ा, जिसकी किराए की कोक आपने यूज की है अगर उसके शरीर पर कोई गलत प्रभाव पड़ा, तो उसके लिए साथियों 36 महीने का कंपलसरी इंश्योरेंस देना कमेंडेटरी कर दिया गया है इस बिल के अंदर। दूसरी बात क्या की गई है, शुड ए सैरोगेट मदर बी रिलेटेड टू ए कपल हु वांट्स द चिल्ड्रन। साथियों अगर आपने 2019 का बिल सुना है तो उसमें क्या था कि जो सैरोगेसी, सरकार ने पहले 2019 में भी बिल लेकर के आई थी जिसमें क्या कहा हुआ था कि अगर आप सैरोगेसी के थ्रू बच्चा चाहते हैं तो आपके साथ जो सैरोगेट मदर बनना चाहती है ना वो आपकी क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए, जिसका राज्यसभा के अंदर बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। राज्यसभा में इसलिए विरोध हुआ कि भाई किसी का क्लोज रिलेटिव इस स्थिति में ही नहीं है, लेकिन दंपत्ति चाहती है, कपल चाहता है कि वो बच्चे करे, तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा के द्वारा कुछ चेंजेस सुझाए गए थे, वो चेंजेस हाल ही में इस बिल के अंदर मान लिए गए हैं और कहा गया है कि वो महिला सैरोगेट मदर बन सकती है, यानी कि किराए की कोख रख सकती है जो चाहती है रखना, यानी विलिंग वूमन। ऐसा नहीं है कि वो रिलेटिव ही हो, कोई भी हो वो विलिंग वुमन होनी चाहिए। रिलेटिव का क्लोज हटा दिया गया है, ये हटा दिया गया है, अब केवल यही है जो चाहती है महिला कि हाँ भाई मैं तैयार हूं आपका आपका गर्भ धारण करने के लिए, तो ये विलिंग वुमन होगी, जेनेटिकली ये गार्जियन नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोविजन ऑफ द सैरोगेसी बिल 2014 वाज अपोज्ड इन राज्यसभा। साथियों ये 2019 का मैंने आपसे अभियाल कहा था कि मैंने अभियाल थोड़ी देर पहले बताया था, 2019 में जब ये बिल आया था तो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का विरोध किया गया था ना इस बिल के अंदर, तो ये इसी बात का विरोध किया गया था, क्योंकि इस 2019 बिल में लोकसभा में ये कहा गया था कि जो सैरोगेट मदर बनेगी वो इस कपल की क्लोज रिलेटिव होनी चाहिए, इस बात का सबसे ज़्यादा विरोध हुआ था। ठीक है ना, क्लोज रिलेटिव वाले क्लॉज को अब हटा दिया गया है, ये बात आपको समझ में आना जरूरी है। साथियों अब क्या कहा गया है, अब कहा गया है कि विलिंग महिला होनी चाहिए। दोबारा से सुन लीजिए, सबसे पहले सैरोगेसी रेगुलेशन एक्ट आया था 2019 लोकसभा में आया, फिर राज्यसभा में गया, राज्यसभा में इसका विरोध हुआ, ये पास नहीं हो पाया। राज्यसभा की स्टैंडिंग कमेटी ने इसके अंदर कुछ चीजें सुझाव में दी, कहा कि ये आप काम कर लीजिएगा तब जाकर के इस बिल को पास किया जा सकता है। वो बातें जो है हाल ही में कैबिनेट ने मान ली हैं, अब मान ली हैं तो ये बिल जो है अब ये दोबारा लेके आया जाएगा, कहां पे, लोकसभा में, तो ये 2020 वाला बिल कहलाएगा। तो 2019 में अमेंडमेंट हो चुका है, 20 में आएगा, 2019 वाला भी पास नहीं हुआ था, क्लियर। चलिए, व्हाट आर द प्रोविजंस मेड बाय द कमर्शियल सैरोगेसी, तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या कमर्शियल सैरोगेसी की जा सकती है, जैसे शाहरुख खान ने अपना तीसरा संतान प्राप्त करी थी, क्या ये संभव है? नहीं, ये संभव नहीं है। मतलब क्या हुआ, इट इज प्रोहिबिटेड, ये नहीं की जा सकती, ये याद रखिएगा। हिंदी के फॉन्ट बिगड़ गए हैं इसलिए मैं इंग्लिश वाले फॉन्ट से ही आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये अब प्रोहिबिटेड हो गया है, पहले की जा सकती थी अब ये नहीं की जा सकती है। पहले संभव था, किसी ने भी कहीं से भी बच्चे पैदा कर लिए। फिर क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस बिल विच बोर्ड हैज बीन सेटअप फॉर द सेंट्रल लेवल। अब क्या है, सैरोगेसी तो कर ली साहब आपने, अब लेकिन फिर भी इस बात की क्या गारंटी है कि आपने सारा काम जेन्युइनली किया। इसके लिए साथियों सेंटर लेवल पर सेंट्रल सैरोगेसी बोर्ड बनाया जाएगा, स्टेट लेवल पर स्टेट सैरोगेसी बोर्ड बनाया जाएगा। आपको डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि यू आर इनकैपेबल टू डूइंग चिल्ड्रन, दैट इज व्हाई यू आर यूजिंग सैरोगेसी। ये आपको पहले गवर्नमेंट से, डॉक्टर से ये लिखवाना पड़ेगा, तब जाकर के आप सैरोगेट पेरेंट्स बन सकते हैं, ये पॉइंट यहां पर लिखा गया है। तो सैरोगेसी बोर्ड स्थापित करने की बात की गई है, कहां कहां पर की गई है, सेंटर में और स्टेट में। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देख लीजिएगा, इसमें क्या उम्र का कोई क्लॉज रखा गया है क्या? बिल्कुल, सैरोगेसी चाहने वाले जो पेरेंट्स हैं साथियों, उसमें मदर की जो एज रखी गई है वो तो रखी गई है 23 साल से 50 साल के बीच में, और जो फादर की एज रखी गई है वो 26 साल से 55 साल के बीच में। दोनों की एज के क्लॉज इसके अंदर डाले गए हैं, इतने के बीच में ही। ऐसा नहीं है कि भाई बुढ़ापे में अब कोई संतान नहीं है चलो कर लेते हैं टाइप से, ऐसा नहीं है। 55 साल की उम्र पेरेंट्स के लिए रखी गई है, हस्बैंड के लिए 50 साल मदर के लिए रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डस दिस बिल प्रोवाइड फॉर द चॉइस ऑफ जेंडर सिलेक्शन ऑफ सैरोगेट चिल्ड्रन। मतलब क्या है,
अगर आपके साहब बच्चा होता है, अब बच्चे के अंदर आपने तो, क्योंकि आपके शरीर को तो कोई कष्ट पहुंचा ही नहीं, आपने तो किराए पे कोख ली हुई थी, आपसे पूछा गया, तो क्या साहब बच्चा मान लीजिएगा कि बच्ची हुई, तो क्या आप ऐसा करेंगे कि आप जेंडर सेलेक्ट करेंगे कि मैं बेटा होगा तो ही लूंगा, बेटी होगी तो नहीं लूंगा? यानी ऐसा है क्या इसके अंदर? स्ट्रिक्ट पनिशमेंट है इसके अंदर अगर किसी ने चाइल्ड के अंदर सेक्स सिलेक्शन किया तो। क्लियर? तो यहां पर क्या है, ये चीज अलाउ नहीं है। तो होपफुली आप सभी साथियों को जो नया बिल है सैरोगेसी सरल शब्दों में समझ में आ चुकी होगी। एक बार वो डिटेल वाला पॉइंट जो मैंने बताया है वो देख लेना, पूरा बिल जो हाल ही में आया है वो समझ में आ गया होगा। अब ये टेबल कर दिया जाएगा लोकसभा के अंदर और उसके बाद फिर राज्यसभा में अल्टीमेटली जब प्रेसिडेंट इस पर साइन करेगा तब ये एक्ट बन के आपके सामने आ जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आप में से कोई भी विद्यार्थी अगर मेरे साथ एसएससी जेई की तैयारी करना चाहता है, करंट अफेयर का बहुत बड़ा पोर्शन इसमें आता है प्लस स्टैटिक जीके आता है, तो मैं स्टैटिक जीके 500 से अधिक सवाल दूंगा इंपॉर्टेंट जिसमें से क्वेश्चन फंसेगा, और इसके अतिरिक्त करंट अफेयर कराऊंगा पुराने 6 महीने का। तो आप में से अगर कोई भी विद्यार्थी मार्च में आपके एसएससी जेई के करंट अफेयर का सेशन ज्वाइन करना चाहता है तो मेरा रेफरल कोड यूज करके मेरी क्लासेस एक्सेस कर सकता है। आप क्या करेंगे, गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, वहां से अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करेंगे, उसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद एसएससी सेक्शन चूज योर गोल में एसएससी एग्जाम में जाएंगे, यहां पर ही सीजीएल सीएचएसएल इन सब के गोल सेलेक्ट किए जाते हैं, तो यहीं से जाकर के आप जेई का सिलेक्शन करेंगे। और जाकर के साथियों मतलब एसएससी एग्जाम ही है जो जेई के लिए भी है, तो अलग से कोई गोल नहीं करना है। फिर गेट सब्सक्रिप्शन में जाइएगा, गेट सब्सक्रिप्शन में जाकर के आप यहां से 6 महीने 12 महीने 3 महीने 1 महीने जो भी आपको सूटेबल हो, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं ज्यादा समय की तो आप अपने 12 महीने का ले सकते हैं। सारी इंजीनियरिंग वगैरह की क्लासेस भी यहां चल रही हैं, आपके अगले सेशन की तैयारी भी हो जाएगी। मात्र 6,000 रुपए इसका कोर्स का कीमत है। अंकित 10 लगाने से आपको 5,400 रुपए का पड़ता है साल भर का, जिसमें मेरे द्वारा आने वाली जितनी भी क्लासेस हैं वो मिल जाएंगी, इंजीनियरिंग की क्लासेस मिल जाएंगी, इसके अलावा जीके की क्लास मिल जाएगी जो मैं लेके आऊंगा, यहां के अलावा बूस्टर मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, सब मिल जाएगा। यदि आप केवल करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो आपके सामने 1 मंथ वाला ऑप्शन है, इसको यूज कर लेना, रेफरल कोड अंकित 10 है, यहां से आप इसको यूज करके 10% डिस्काउंट इसमें भी पा सकते हैं और ये आपको मात्र 1,080 रुपए में मिल जाएगा। तो गो फॉर इट, गेट द मौका। चलिए साथियों, तो आपके सामने साथियों ये जीके भाई अंकित अवस्थी सर, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर।